नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूँ कीर्ति सिंह। बिहार के पटना स्थित भगतपुर के अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की छात्राओं को अधिशिक्षिका द्वारा प्रताड़ित किए जाने और अधिशिक्षिका को हटाने के संबंध में उन्होंने एक याचिका दायर की है। उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा है जिसमें उनका कहना है कि इस छात्रावास में उनके साथ दुष्व्यवहार किए जा रहे हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है जो कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भगतपुर पटना बिहार के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि सविनय निवेदन है कि मैं अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भगतपुर में रहती हूं। जैसा कि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अल्पसंख्यक छात्रावास में सरकार की तरफ से बहुत तरह की सुविधाएं दी जा रही है, परंतु हम छात्राओं को इन सारी सुविधाओं का ठीक तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे छात्रावास की अधिशिक्षिका नाहिदा नसरीन द्वारा इन सुविधाओं का लाभ उठाने में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि हम छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। इस मौके पर उन्होंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से छात्रावास की अधिशिक्षिका उनके साथ प्रताड़ित कर रही है और दुष्व्यवहार कर रही है। उन्होंने लिखा है कि मैम की वजह से ही मेस वालों के रवैये भी लड़कियों के साथ बहुत खराब है। लड़कियों को बहुत बदतमीजी झेलनी पड़ती है, मेस वाले उनके साथ बदतमीजी करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस बात पे नामांकन खारिज करने और FIR करने की धमकी भी उन्हें दी जा रही है। लड़कियों की मजबूरियों को उनकी अधिशिक्षिका कभी समझना ही नहीं चाहती, बस अपनी मनमानी करती रहती है। जैसे लड़कियों के नामांकन के बावजूद रात के किसी भी वक्त छात्रावास से निकलने को कह दिया जाता है। इन सारे मामलों में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी भी शामिल है। इसे लेकर उन्होंने एक याचिका जारी की है और साथ ही साथ उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास पर कड़ी कार्रवाई की जाए।